जानिए इस 8 फीट सांप का क्यों हुआ सीटी स्कैन। वैसे आपने अब तक इंसानों का सीटी स्कैन देखा होगा, लेकिन आपने किसी अन्य जीव का सीटी स्कैन नहीं देखा होगा। लेकिन हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह हुआ है। खबर के मुताबिक सीटी स्कैन एक अजगर सांप किया है। यह सांप करीबन 8 फीट का है। आपको बता दें कि यह खबर ओडिशा के भुवनेश्वर से 130 किलोमीटर दूर स्थित आनंदपुर से है। आपको बता दें कि सांप का सीटी स्कैन सिर में लगी चोट का पता लगाने के लिए किया गया है। वन विभाग के कर्मचारियों ने सांप को 4 दिन पहले भुवनेश्वर से 130 किलोमीटर दूर आनंदपुर बरामद किया था। सांप बहुत ही गंभीर हालत में था। वन विभाग की टीम ने अजगर को गंभीर हालत में देखकर स्नेक हेल्पलाइन को सौंप दिया था। इसके बाद इस सांप को ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में लाया गया। स्नेक हेल्पलाइन के मालिक शुभ हिंदू ने कहा कि कई मेडिकल विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद अजगर के चोट का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन का सहारा लिया गया, जिससे सांप की अंदरूनी चोटों का पता चला है। अब सांप की हालत में सुधार नजर आ रहा है।